वेलकम टू माय चैनल नव हेल्थ और मैं एक फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नव हेल्थ में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी किट की मदद से घर पर ही महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी का पता कैसे लगा सकती हैं। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, कई बार होम प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करने पर दूसरी लाइन हल्की गुलाबी आती है, जिसे लेकर महिलाएँ काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि आखिर दूसरी हल्की गुलाबी लाइन का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आज हम यही क्लियर करने वाले हैं कि टेस्ट रिजल्ट में दूसरी हल्की गुलाबी लाइन का क्या मतलब होता है और ये दूसरी लाइन हल्की गुलाबी क्यों आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम प्रेगनेंसी किट काम कैसे करती है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर में HCG नाम का हार्मोन्स बनना शुरू हो जाता है। यह हार्मोन्स महिला के शरीर में ब्लड में हर जगह पाया जाता है, तो यह प्रेगनेंसी किट उसी हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है, यानी कि उसका पता लगाती है। जैसे ही कोई महिला यूरिन की कुछ बूंदें इस कार्ड के ऊपर डालती है तो ये कार्ड उसके यूरिन में HCG है या नहीं उसको डिटेक्ट करती है। अगर यूरिन में HCG नहीं होता है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, और अगर यूरिन में HCG काफ़ी मात्रा में होता है तो रिजल्ट क्लियर पॉजिटिव आता है। लेकिन यदि यूरिन में HCG काफ़ी कम मात्रा में होता है तो रिजल्ट में दूसरी लाइन हल्की गुलाबी आती है। होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट से जब भी कभी टेस्ट करते हैं और उसमें दूसरी लाइन हल्की गुलाबी आती है तो इसका मतलब होता है कि प्रेगनेंसी कन्फर्म है और रिजल्ट पॉजिटिव है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जब भी दूसरी हल्की गुलाबी लाइन आती है उसका मतलब यह होता है कि जो टेस्ट किया गया है काफ़ी जल्दी किया गया है, यानी सेक्स करने के लगभग 15-20 दिन के अंदर ये टेस्ट किया गया है और HCG काफ़ी कम मात्रा में है, इसी वजह से यह दूसरी लाइन हल्की गुलाबी आती है। इसलिए हमेशा पीरियड मिस होने के 7 दिन के बाद मॉर्निंग यूरिन से टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पीरियड मिस होने के बाद जो मॉर्निंग का यूरिन होता है उसमें HCG काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और उस समय अगर आप टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्लियर आएगा। चलिए हम आपको स्पष्ट दिखाते हैं कि प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट से कोई भी ब्रांड की प्रेगनेंसी किट परचेज करनी होगी। आप कोई भी कंपनी की प्रेगनेंसी किट परचेज कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारी प्रेगनेंसी किट अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास प्रेगन न्यूज़ नाम की किट अवेलेबल है, जो कि मैनकाइंड कंपनी की बहुत ही अच्छी प्रेगनेंसी किट है। प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले हमें हमेशा दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहला ये कि हमें हमेशा पीरियड मिस होने के बाद ही आपको टेस्ट करना चाहिए। अगर आप उससे पहले टेस्ट करते हैं तो आपको इनवैलिड रिजल्ट भी शो हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यूरिन हमेशा मॉर्निंग का होना चाहिए ताकि आपको क्लियर रिजल्ट शो हो सके। जैसा कि आप दोस्त देख रहे हो कि इस पैक में हमें दो चीज़ें मिलती हैं, पहली किट जिसमें रिजल्ट शो होता है, दूसरा ड्रॉपर जिसकी मदद से आप यूरिन को इस पर डालते हैं, इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट शो होता है। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि ड्रॉपर की मदद से यूरिन की कुछ बूंदें, यानी 2-3 बूंदें इस किट के ऊपर यहाँ पर डालनी है, और देखिए आप यहाँ पर रिजल्ट शो होना शुरू हो जाएगा। आपको कभी कभी इसके लिए रिजल्ट के लिए 5 मिनट का ही वेट करना पड़ सकता है, वरना यहाँ पर 1-2 मिनट के अंदर ही रिजल्ट शो हो जाता है। इस कार्ड में 2 लाइन शो होती हैं। पहली लाइन हमें यह बताती है कि यह कार्ड सही से वर्क कर रहा है, और दूसरी लाइन आपका रिजल्ट बताती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कार्ड पर 1 लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं है। फिलहाल रिजल्ट नेगेटिव शो हो रहा है। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए यहाँ पर प्लेन वाटर यूज़ किया है ये टेस्ट करने के लिए। आपके पास यहाँ पर प्लेन वाटर की जगह यूरिन होना ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और जानकारी भरी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तब तक के लिए टेक केयर।